नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। न्याय की मांग को लेकर जसपुर में चिकित्सकों ने निकाला कैंडल मार्च। जहां कोलकाता में हाल ही में हुए दुष्कर्म और हत्या से देश भर में आक्रोश है, जिसके चलते सभी लोग जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में भी आईएम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकत्रित होकर सरकारी व निजी चिकित्सालयों के समस्त चिकित्सकों व स्टाफ एवं मेडिकल एसोसिएशन में सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सकों द्वारा एक दिवसीय ओपीडी कार्य बहिष्कार कर हाथ में कैंडल व न्याय की मांग को लेकर तख्तियों पर लिखे स्लोगन के साथ मोहल्ला चौहानान होली चौक से मेन बाजार हुए झंडा चौक तक पैदल मार्च निकालकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। पैदल मार्च में जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर धीरेंद्र मोहन गहलोत के साथ साथ पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भी शामिल हुए। मार्च निकाल रहे एएमए नगर अध्यक्ष डॉक्टर एमपी सिंह चौहान का कहना है कि एक महिला डॉक्टर की उसके कार्यस्थल पर दुष्कर्म कर हत्या कर दी जाती है, ये बहुत चिंता की बात है। पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर की बेटी की घटना हो या कोलकाता, किसी भी राज्य की हो या किसी प्रदेश की, समस्त घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए घटना के आरोपियों को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग की। वहीं इस मामले पर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर धीरेंद्र मोहन गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कहा कि आज जसपुर में आईएमए की टीम के साथ मेडिकल एसोसिएशन, निजी चिकित्सालय के चिकित्सा फार्मासिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कैंडल मार्च एवं सहानुभूति निभाते हुए मृतक देश की बच्ची की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में टीबी चेस्ट की पीजी की पढ़ाई कर रही डॉक्टर मोमिता देवनाथ की जो दरिंदगी के साथ बलात्कार किया और फिर नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में किया गया। ये हमारे सेंट्रल आईएमए के आह्वान पर तथा साथ ही पीएमएचएस संघ उत्तराखंड के आह्वान पर किया गया था। आज हमने दिनांक 17/8/24 को ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया। उसके बाद हम सरकारी अस्पताल जसपुर से बाजार होते हुए सुभाष चौक तक गए। सुभाष चौक पर हमने जाकर डॉक्टर मोमिता देवनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हम शांतिपूर्वक यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा। इस जो श्रद्धांजलि और मार्च था, इसमें क्षेत्र के सभी लोगों का, सभी संगठन साथ में आए और बिना बुलाए आए हैं, ये अच्छी बात है। हमारी जो आशाएँ बहनें हैं, हमारे सभी पूर्व स्टाफ है, आईएमए पीएमएच से ने तो आह्वान ही किया था, समस्त डॉक्टर उपस्थित थे। साथ ही हमारी जो जितने भी संगठन हैं क्षेत्र में, वो सब साथ ही कार्य बहिष्कार सिर्फ सांकेतिक था एक दिन के लिए। अगर हमारी डॉक्टर को न्याय नहीं मिलता है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती है, आगे फास्ट ट्रैक के ऐसे कानून नहीं बनते हैं कि जो इस तरह की दरिंदगी दिखाने वाले को अगर फास्ट ट्रैक से फांसी नहीं दी जाती है, इस तरह के कानून नहीं बनते हैं, तो ये सांकेतिक हड़ताल या हड़ताल तो उससे आगे भी होगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए एक दिन की सांकेतिक। स्टूडेंट के साथ बलात्कार के बाद जगन्नाथ हत्या कर दी गई और बाकी सरकार ने और इसको दबाने का काम किया। जो आंदोलन डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था, उसको दबाने का काम किया गया इस घटना को उजागर करने की बजाय। तो आज उसी के विरोध में आईएमए जसपुर एवं पीएमएचएस एसोसिएशन उत्तराखंड के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन के लिए एक मार्च निकाला गया, जिसमें हम मोमिता हत्याकांड वाले जितने भी अपराधी हैं उनको फांसी चाहते हैं, तथा उसके बाद जो अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, इसके लिए केंद्र सरकार से चाहते हैं कि एक बहुत ही सख्त कानून बने, जिससे कि अस्पतालों में जो है तोड़फोड़ ना की जाए और डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ जो 24 घंटे देश की सेवा में, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनको सुरक्षा मिले और मोमिता को न्याय। जो भी घटना बहनों के साथ, माताओं के साथ होती है, उसका विरोध करते हैं। वो भी किसी की बेटी थी और ये भी किसी की बेटी है, और जो कहीं भी इस तरह का महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो उसके विरोध में आईएमए
जो है खड़ा रहेगा।